गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। सो आज का जो व्लॉग है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोटो व्लॉग से ही। सो गोप्रो पे है हम लोग सीधा। कुत्तों से थोड़ा डर लग रहा है तो मैं बच बच के चला रहा हूँ। सो सुबह के टाइम हो रहा है 4:10 और समथिंग। ये थोड़ा 10-12 मिनट आगे है मेरा वॉच। सो वी आर गोइंग टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। यस, इट वॉज़ अ लॉन्ग अवेटेड प्लान और मेरे बाकी सारे राइडर फ्रेंड्स भी ऑलमोस्ट निकल गए हैं। तो सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के नीचे मिलने वाले हैं जो काशी मीरा में है, मीरा रोड। तो लेट्स गो देयर एंड वेट फॉर अदर गाइज टू कम। तो या इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग राइड गाइज। बहुत दिनों बाद मैं अपने हिमालयन पे इतने लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ। छोटे ट्रिप्स ही मार रहा था और लास्ट ट्रिप वॉज आई थिंक अलीबाग अलॉन्ग विद माई साइकिलिंग फ्रेंड्स। तो अभी ये प्रॉपर बाइकिंग ट्रिप होने वाला है मोर देन 800 किलोमीटर्स का। सो बने रहिए व्लॉग में एंड तक, देखिए आप लोगों को काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गेट गोइंग। सो ऑलमोस्ट सारे राइडर्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं, आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के नीचे, एक्सेप्ट साहिल भाई एंड अरविंद। तो यश इज हियर, समीप भाई इज हियर, बासु भाई एंड ऑलविन। तो हम लोग सब लोग रेडी है, दो बार चाय पी चुके हैं, बाइक्स भी हमारी सॉर्टेड है, लगेज माउंट हो गया है इनका, सेना और ASG भी पेयरिंग हो चुका है। तो अभी वेट कर रहे हैं बस अरविंद का और साहिल भाई का आने का और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग कुछ ही देर में। सो क्विक अपडेट गाइज, अभी एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करने के लिए लेट हो चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 5:15 एंड द प्लान वॉज टू स्टार्ट बाय 4 AM। द प्रॉब्लम इज कि वन ऑफ द राइडर अरविंद, उसका बाइक का टायर पंचर हो चुका है। तो अभी साहिल भाई और अरविंद गए बाइक का टायर बनाने, वो जैसे ही आते हैं उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तभी तक कुछ नहीं कर सकते, जस्ट वेट गेम ही कर रहे हैं। ऑल बाइकर्स आर वेटिंग हियर, होपफुली वी रीच ऑन टाइम एंड मतलब डिले नहीं हो ट्रिप ज़्यादा। सो ऑल वी कैन डू इज़ वेट राइट नाउ, उसका टायर बनता है वैसे स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली ऑल राइडर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम काशी मीरा। अरविंद और साहिल भाई आ चुके हैं, अरविंद का टायर पंचर हो गया था। तो वी आर स्टार्टिंग एट 5:47 विच इज़ 1 hour 45 minutes लेटर देन आर ओरिजिनल प्लान। इट कांट हेल्प इट, अभी लेट हो गए तो लेट हो गए। चलिए चलते हैं आगे, अभी देखते हैं कवर अप कर लेंगे कहीं ना कहीं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, अभी हम लोग बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना चाह रहे सो दैट आगे डिले नहीं हो जाए राइड। सो अभी थोड़ा स्ट्रेच कवर अप कर लेंगे तो अहूरा तक नो ब्रेक विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक है ये टाइम पे मॉर्निंग के 6:30, तो ये टाइम पे निकल रहे हो तो थोड़ा ट्रक वालों से दूर ही रह के चलाना चाहिए, बिकॉज ये लोग कोई भी लेन में चलाते हैं। अब ये तीनों लेन में चला रहे हैं एंड दे आर नॉट लीविंग एनी स्पेस फॉर द बाइकर्स। और काफ़ी ज़्यादा फॉग भी है रोड पे, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आगे रोड पूरा फॉग से कवर्ड है। और ये जो मेरा HJG का लाइट्स है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है फॉग कट करने के लिए, तो येलो फिल्टर्स उसमें लगाए हुए मैंने, तो रोड क्लियरली दिख रहा है। और मैंने मेरे जो फ्लैशर्स है वो भी बीच बीच में ऑन कर रहा हूँ मैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, आई थिंक अराउंड 6-7 degrees होगा, और हवा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरी आवाज़ से, सो आई एम शिवरिंग एंड ऑल ऑफ द राइडर्स आर शिवरिंग। तो काफ़ी ऐसा वाला सिचुएशन है। सो फाइनली एट 7:50 वी हैव रीच्ड अहूरा। एंड बाय द वे अहूरा मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ऑल्दो स्टे इन मुंबई और दिस इज बाइकर्स हब, मैं कभी गया नहीं अहूरा। तो लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट एट अहूरा, द फेमस बाइकर्स पॉइंट। आज कोई बाइकर दिख नहीं रहा है, आई थिंक सैटरडे है तो इसलिए। संडेज़ को जनरली यहाँ पे काफ़ी राइडर्स आते हैं, ये सब सुपर बाइक्स का मीटअप पॉइंट होता है। We are starting from Ahura
ऑल द राइडर्स आर लाइंड अप। अभी होपफुली किसी का कोई टायर पंचर नहीं हो और हम लोग राइड कंटिन्यू कर पाए आगे तक। तो लेट्स गो। तो अभी चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप में, फ्यूल अप कराएंगे। तो यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट इज 95 रुपीज, विच इज वेरी चीप। तो फ्यूल भराते हैं। सो गाइज, हम लोग यहाँ से पास हो रहे थे नवसारी से, तो फ्यूल अप कराना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूल अप के लिए हरिओम पेट्रोल पंप में आए। तो यहाँ पे हमें मिलिंद लबोरिया जी मिले। ही वॉज सो काइंड इनफ कि उन्होंने हमें सबके लिए टी एंड वाटर ऑफर किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं एंड इज ऑफर्ड अस टी। तो ये पेट्रोल पंप पे आके रिफिल कर सकते हो आप लोग। काफ़ी काइंड पीपल है, ये उनका गेस्चर जो था हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड दे ट्रीट बाइकर्स रियली गुड एंड वी आर क्वाइट इम्प्रेस विद दिस। अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं, मिलिंद जी से बात करते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलिंद भाई हम लोग को अभी यहाँ पे चाय पिला रहे हैं। तो हम लोग थैंक यू सो मच, बहुत काइंड गेस्चर है, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू दादा। तो अभी चाय पीते हैं फटफट और निकलते हैं अभी आगे। सो फाइनली छोटा ब्रेक लेने वाले थे बट लंबा ब्रेक हो गया, बट अभी हमने स्टार्ट किया है फिर से। तो एस्टिमेटेड टाइम हमारा बढ़ गया है, 3:15 दिखा रहा है, अराउंड 185 किलोमीटर्स टू गो। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ 207 किलोमीटर कर दिया था। अभी 12 बज रहा है बट वी वॉन्ट टू कवर सम डिस्टेंस सो दैट ज़्यादा लेट नहीं हो जाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हमारा टिकट था वो ऑनलाइन बुक किया था, तो आई वुड से आप लोग भी ऑनलाइन बुक करिए तो बेटर रहेगा। और हमारा आज का स्टे का भी प्लान है, वो भी हमने ऑनलाइन बुक किया था। तो मैं आपको स्टे का वहाँ पे पहुँच के बता दूँगा कैसा क्या कौन सा स्टे हमने लिया हुआ है एंड ऑनलाइन कैसे बुकिंग किया था। तो यह अभी चलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। बट यार सीरियसली गुजरात के रोड मतलब एक नंबर, मज़ा आ रहा है। और वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ये जो प्रोस्पेक का विंडशील्ड है जो मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन, इट इज़ रियली रियली गुड एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हिमालयन राइडर्स को तो ये ले लेना चाहिए हु आर ऑफ अ हाइट 5'10" और मोर। क्योंकि मुझे सीरियसली जो विंड बफेटिंग फील हो रही थी पिछले मेरे राइड्स में, और मैंने ब्लॉग में कहा भी था पुणे वाले राइड में कि हेलमेट पर विंड बफेटिंग फील होती है, क्रॉस विंड्स या ज़रूर होती है, बट जो सामने से आने वाली जो विंड है हेलमेट पे वो फील बिल्कुल नहीं हो रही मुझे अभी। एंड हेलमेट वॉबल भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मतलब आई एम नॉट फीलिंग एनी विंड बफेटिंग एट ऑल जो सामने से हवा आ रही है उससे। तो ये फटीक डेफिनेटली लेस करेगा। तो आप लोग भी अगर हिमालयन राइडर हो और ये लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले लीजिए विदाउट सोचे, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो अभी वही सफ़र लंबा है, पूरा करते हैं और 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है टू कवर 166 किलोमीटर्स। सो गाइस क्विक अपडेट, हम लोगों ने हाईवे से राइट टर्न ले लिया है टुवर्ड्स राजपिपला। आई थिंक दिस रोड गोज टुवर्ड्स राजपिपला विच गोज टुवर्ड्स केवाड़िया। तो यहाँ से नेशनल हाईवे नहीं है एंड स्टिल 84 किलोमीटर्स टू गो, दैट इज़ शोइंग 1 आवर 50 मिनट्स, मतलब रोड थोड़ा ख़राब होने की संभावना है। तो अभी हम लोग को लगी है ज़ोर से भूख और हम लोग एक कोई रेस्टोरेंट देख के उसमें खाना खाने के लिए रुक जाएंगे। होपफुली कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए। 80 किलोमीटर्स वो टू गो, 1 आवर 42 मिनट्स दिखा रहे गूगल मैप पे। होपफुली रास्ता अच्छा हो तो मज़ा आएगा चलाने, नहीं तो वही क्लच ब्रेक दबा के स्लो हो जाएगा स्पीड। लंच हमारा हो गया है, हम लोगों ने भर पेट लंच खाया, 9 लोग थे और बिल आया 1500, तो काफी अच्छे से खा लिया हम लोगों ने।
ये रेस्टोरेंट है लक्ष्मी रेस्टोरेंट, दिखता ऑर्डिनरी सा है बट इसका फूड क्वालिटी टेस्ट तीनों बहुत अच्छा था, तो वी एंजॉयड द फूड ओवर हियर गुजरात में। गाइज आई थिंक दिस इज नर्मदा रिवर जो हम लोग पहुँच चुके हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी का बोर्ड आगे दिख रहा है विच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स ऑन आर राइट। सो ये है राजपिपला का बोर्ड, अभी यहाँ से है हमें जाना 27 किलोमीटर्स। सो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के एरिया में पहुँच गए हैं, इट्स शोइंग अराउंड 10 to 12 minutes एंड 10 किलोमीटर्स। सो हमारा जो स्टे है वो BRG बजट स्टे है, जहाँ पे आप लोगों को 470 rupees में रूम्स मिल सकता है, बट ओनली थिंग इज़ यू हैव टू मेक योर बुकिंग्स वेल इन एडवांस। चलते हैं BRG बजट स्टे, वहाँ पे फटफट जाना है हमें, बैग्स रखने हैं, कपड़े चेंज करने हैं और फिर निकलना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो ये राइट लेने के बाद वेलकम टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू का बोर्ड दिखेगा आपको, और केवाड़िया यहाँ से 6 किलोमीटर जाने आगे। तो चलिए चलते हैं, वेटिंग फॉर द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी तक दिखाई नहीं दिया बट आई एम होपिंग यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं BRG होटल स्टे, यहीं पे हमारा स्टे है, बुकिंग है। सो चलते हैं राइट साइड में पार्किंग और फिर रिसेप्शन में। तो ये है BRG बजट स्टे, तो दिस इज़ बजट स्टे होटल, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो अंदर जाते हैं अभी, रिसेप्शन में अपना फॉर्म वॉर्म भरते हैं और रूम्स में चेक इन कर लेते हैं।